Deepraj Rana and you are watching Bollywood Adda. सर सबसे पहले तो सबने प्रोमोज देख लिया है, सबको बहुत पसंद आया और यूट्यूब पर बहुत सारे लाइक मिल चुके हैं। थोड़ा कुछ आप आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की फिल्म होगी ये? बहुत अच्छी फिल्म है, इसके इसमें सब कुछ है जो एक अच्छी फिल्म में होनी चाहिए, जो एक फैमिली फिल्म में होनी चाहिए। इमोशन है, ड्रामा है, थ्रिल है, अच्छे गाने हैं, कॉमेडी है, सब कुछ है। तो ये फिल्म तो सब रिकॉर्ड तोड़ेगी। अगर आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार होगा आपका फिल्म में? मेरा एक पॉजिटिव रोल है, सलमान का सिक्योरिटी इंचार्ज है और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें दो सलमान हैं, तो मेरा कैरेक्टर इन दोनों को इस फिल्म में मिलाता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल है, अच्छा रोल है। जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मालूम होता है, तो आपको कैसे अप्रोच किया गया फिल्म के लिए, कैसे आया ये किरदार आपके पास? मुझे एक फ़ोन आया कि राजकीय प्रोडक्शन में एक रोल है, आप करना चाहेंगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला पहले आप अपने डेट्स देख लीजिए। तो मैंने डेट्स देखे तो 50 दिन मतलब 2014 से 2015 सितंबर तक के डेट्स थे उसमें। तो मुझे लगा कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे डेट्स फाइन। तो उन्होंने बोला ठीक है सूरज जी आपको कहानी नरेट करेंगे। तो मैं गया, सूरज जी मिले और राजबाबू भी थे, उन्होंने वो फिल्म नरेट की और ये रोल उन्होंने दिया। फिर बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा सर कैसे आपने मुझ पर ज़ीरो ऑन किया? उन्होंने बोला कि साहेब बीबी गैंगस्टर उन्होंने देखी थी मेरी एक फिल्म, तो बोला जब मैं वो फिल्म देख रहा था तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको ये रोल दूँ। जब भी आप कोई किरदार चूज़ करते हैं तो क्या कुछ खास बातें देखते हैं किरदार में, या फिर डायरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है या फिर किरदार आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट? दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, एक डायरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, एक प्रोड्यूसर इम्पोर्टेंट होता है, को एक्टर इम्पोर्टेंट होता है और एक आपका कैरेक्टर। तो अब 50 दिन मेरा ले रहे हैं तो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, और जब कहानी सुनाई तो पता चला कि इम्पोर्टेंट था। तो आपको हम लोग ने बहुत सारे किरदारों में देखा है निभाते हुए, तो ऐसा कोई किरदार है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? देखिए, मैं हर रोल जो मैं करता हूँ, हर पात्र जो मैं करता हूँ उसको पूरी सिंसियरिटी के साथ करता हूँ, और ऐसा मैंने सोचा नहीं कि इस ऐसा मुझे रोल मिलेगा, हर रोल मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिल्म की USP जो है सूरज बड़जात्या और सलमान खान की जोड़ी होगी, तो इन दोनों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का, क्या कैसा दिन जब फर्स्ट डे आप सेट पर एंटर हुए तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मैंने तो बताया पहला सीन ही मेरा था कि जहाँ मैं एक पेज का सीन था जिसमें मैं किसी के बारे में सलमान को बताता हूँ और मुझे ही बोलना था। तो सूरज जी थे, पहली बार मैंने बोला, उन्होंने एक रिहर्सल लिया तो उनको ठीक लगा, उन्होंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा सा घबराहट थी कि पता नहीं, फर्स्ट डे वैसे भी हर फिल्म के साथ होती है कि क्या सुर पकड़ेगा कैरेक्टर। तो सलमान भाई बहुत सपोर्टिंग थे, सूरज जी तो महान इंसान हैं ही, महान डायरेक्टर हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। फिल्म दिवाली पर रिलीज़ होने वाली है, तो ये दिवाली आपके लिए कितनी खास होगी? अब ये तो रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा मेरे लिए कितनी खास है, लेकिन हर दिवाली मेरे लिए खास ही है। तो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं इस साल की दिवाली? 12 तारीख को दिवाली है, 4 बजे हम लोग सब कास्ट एंड क्रू फिल्म देखेगा
उसके बाद कुछ पार्टी वार्टी होगी तो पार्टी करेंगे। अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं आप? नहीं, सोचते हैं लेकिन रेजोल्यूशन तक नहीं आ पाता है। आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग जाके प्रेम रतन धन पायो देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप लोग इन्जॉय करेंगे और पूरी फैमिली के साथ चाहिए। एक दिवाली और न्यू ईयर के लिए विशेष आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली को थोड़ा पोल्यूशन मुक्त रखिएगा और ज़रा पटाखे के साथ थोड़ा सेफ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।